हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही थी, यहाँ पर आटा बनाए थे, चाय का पानी मैंने रख दिया था, इसमें मैं पत्ती ग्रेट कर रही हूँ। और देखें ठीक है, वहाँ मैंने दूध पानी रख दिया था, अब यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रख दिया था। अब मैं चाय बना के वहाँ पराठे बनाऊँगी। यहाँ मेरी बेटी बैठी है, मेरी बेटी मतलब बैठे हैं फिट रख देने। यहाँ देखिए, मैंने टमाटर पे यूज होते थे गंदे होते थे, यहाँ मैंने फ्रिज में धो के रख दिए थे। यहाँ चाय भी मेरी तैयार हो गई थी, दूध भी उबल रहा था, दूध उबल जाएगा, मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, फिर पराठे बना के दिखाऊँगी। दूध के पास से नहीं रहा डालो, एकदम गिर जाता है, फिर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे यही होता है कि दूध को उबाल के फिर दूसरे काम करो। अब यहाँ पे देखें, मैंने पराठे बनाने तैयार खड़ी हो गई थी तो गैस हल्की हो गई थी। आज मेरे सुबह नाश्ते में हली मंगवा ली थी, यहाँ पे हमें हली मिर्चा मिल जाता है सुबह नाश्ते में। और क्या कहते हैं, मैं सुबह मंडी ही मंगवाते हैं, मगर मैंने सोचा हली मंगवा लेते हैं, हली पराठे के साथ अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैं पराठे सेक रही थी, यहाँ पे गैस बिल्कुल हल्की आ रही थी, इसी में मैं पराठे बना गई। दफा जब हमारा दमा गर्म चला, फिर बाकी के पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ देखिए, इस तरह के पराठे बनाती हूँ मैं बिल्कुल हल्के से, वो खाने में बहुत ही मज़े अच्छे लगते हैं मुझे, इतने हल्के पराठे। यहाँ मैंने गर्म करने रखे हुए थे आपके सामने। हम सुबह नाश्ते में पराठे ही खा लेते हैं, क्योंकि फिर शाम में ही भूख लगती है, दोपहर में नहीं लगती। हल्के फुल्के जब भूख लगती है कुछ भी खा लेते हैं। और यहाँ पे दोनों बच्चे खड़े हुए थे गेट के पास और हसन सो रहे थे, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, अपने मुन्ने के टीका लगवाने गई थी अपने छोटे वाले हसन के, तो इस वजह से यहाँ पे देखे मैंने पराठे बना के रख दिए। यहाँ पे कौन कौन सुबह नाश्ते में पराठे बनाते हैं, मुझे सुबह नाश्ते में पराठे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर हमारा सही रहता है शाम तक। और यहाँ पे देखे मैं पराठे बना रहा हूँ, फिर रात के खाने के लिए भी सोचना होता है कि क्या पता है क्या नहीं बना, तो मैं आ जाएगी सुबह रात के खाने के लिए ये बनाओ, तो फौरन हम लोग नाश्ते के साथ ही मैं खाना भी बना दूँ। थोड़ी देर बाद किचन विचन से बैठ के मगर जहन में ही नहीं आता, इतना सोचते रहो कि खाने में क्या बनेगा क्या, फिर जाके डिसाइड हो गया कि देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता। और यहाँ पर भी उसके बाद मैं दाल वाल चढ़ा दूँगी, दाल के भी आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, मैं सुबह नाश्ते में वैसे तो चाय पीती हूँ पहले, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद आधे एक घंटे बाद नाश्ता करती हूँ, क्योंकि सुबह से खाना खाना, क्योंकि मुझसे सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता है, सबसे पहले चाय का कप चाहिए होता है कि चाय पी लें सब उनसे, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। मैं तो अक्सर मेरे मियाँ जल्दी उठे पता था, जल्दी उन्हीं के साथ कर लेती हूँ, वो लेट उठते हैं तो उनके साथ करती हूँ नाश्ते में। अक्सर ऐसा होता है कि वो कर लेते हैं कि फिर मैं कर लेती हूँ नाश्ते पहले। अब यहाँ पर देखे मैं पराठे डाल लूँ। अच्छा जी, आटा बहुत ही अच्छा गुना था, और जिस दिन आटा चाणक के तुक्के से भी अच्छा गुन जाए तो पराठे बहुत अच्छे बन जाते हैं, मगर मेरा आटा भी इस वक्त बहुत अच्छा गुना था। मैंने मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया था, मैंने इस नाश्ते के बाद दाल भी चढ़ाती थी। देखिए, मेरी दाल का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मैंने दाल कैसे चढ़ाई थी, जब मेरी दाल बन गई थी, जब मैंने इस माह अपने दाल दिया था, तो मैंने यहाँ पर दाल दी थी आपके साथ, थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि बच्चे इतना तंग करते हैं, मुश्किल हो जाता है कि हर वीडियो शेयर वो करना। अब यहाँ पे देखें मैं आटे गूंद रही हूँ रात की रोटियों के लिए, और यहाँ जब मैं आटा गूंद रही हूँ तो कभी मैं तेल वाली रोटी बना लेती हूँ, कभी गैस नहीं आ रही होती तो मैं तेल वाली रोटी बना लेती हूँ, जैसे कि गैस आ रही होती है तो फिर रोटियाँ डाल लेती हूँ। अच्छा जी, आटा गूंदने के बाद देखिए मैंने ये जो तेल का रेपर था खाली हो गया था, मैंने इसको इसके आटे के ऊपर लगा दिया था, हमारा आटा और भी अच्छा हो जाता है जब मैं इस तरह आटे के ऊपर तेल की पन्नी लगा देती हूँ। तो आप इसके साथ इसको फ्रिज में भी रख देंगे आटे की पन्नी के साथ, तो और अच्छा रहता है, हमारा आटा ख़राब नहीं होता। जो हमारे फ्रिज में आटा रख दो तो कालापन आ जाता है, इससे नहीं आता। अब यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी जल गई थी, अभी भी बहुत हल्की गैस आ रही थी, मगर मैंने डाल दी थी रोटियाँ डाल दी थी। और जैसे मैंने आपको बताया इसके साथ तेल के साथ जैसे मैंने आटे के रखा था, अब इसी तरह अपना आटा रखेंगे तेल के रेपर लगा के, तो आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा और अच्छा रहेगा, और कभी फ्रिज का भी आटा नहीं लगेगा। बस आपको आटा थोड़ी देर निकाल के रख दिएगा। अब यहाँ मेरी रोटियाँ देखें कैसी बन रही थी, कुछ जली भी बन रही है, कुछ सही बन रही है, इसी तरह रोटियाँ बना रही थी। अब मैंने इसके बाद अच्छा मैं रोटियों वोटियों के बाद बंगाल लगाती हूँ, गर्म गर्म बंगाल अच्छा लगता है, अगर पहले से ही लगाती हूँ तो फिर दाल में वो मज़ा नहीं आता। फिर मैं एंड में आके जब मेरा सारा काम हो जाता है तो फिर मैं बंगाल लगा देती हूँ, बंगाल लगा देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बंगाल में प्याज और लहसुन ले लिया, लहसुन को बारीक बारीक काट लिया था, और उसके बाद मैं जीरा ऐड करूँगी इसको, क्योंकि मैंने हरी मिर्च साबुत मिर्च पहले ही दाल पकते हुए डाल दी थी, क्योंकि मैं जब बंगाल में लगाती हूँ वो अच्छी नहीं लगती, उसमें पक जाती है तो वो जायके में भी आ जाती है दाल में, कि मिर्चों का भी टेस्ट आ जाता है दाल में।
दाल बहुत ही मज़े की तो बनी थी। अच्छा ये मैंने पशमेल दाल बनाई थी, मूंग मसूर की नहीं बनाई थी, पशमेल दाल बनाई थी क्योंकि मूंग मसूर की मैंने बना चुकी थी। यहाँ पे मैंने पशमेल दाल बनाई थी, अच्छी बनी थी पशमेल दाल, अच्छी लगती है पशमेल दाल खाने में। अब ये मेरा भंगार तैयार हो जाएगा तो फिर मैं ये भंगार इसमें ऐड कर दूँगी। देखें यहाँ पर मैंने भंगार डाल दिया था, फिर इसके ऊपर से मैं गर्म मसाला डाल दूँगी। अच्छा हरा धनिया पुदीना मैंने भंगार से पहले ही डाल दिया था क्योंकि हरा धनिया पुदीना बनाया जाएगा। अच्छा अच्छा जी, आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।